हम जा रहे हैं इंडियाज बिगेस्ट फिश एक्वेरियम। हमारे सर को मच्छी देखने का बहुत शौक है। मछलियाँ दिखाएंगे ये बिना देखे नहीं। हाँ तो सर चल रहे हैं, अब तो टिकट भी ले ली। यहाँ टिकटें बहुत मारती हैं बॉस, 124 रुपये एक्वेरियम का। आप कहीं पे भी चले जाइए, 100 से कम की कोई टिकट ही नहीं है। सो हमारा आधा खर्चा तो यहीं से निकल गया। फिश एक्वेरियम में देखते हैं क्या मिलता है, कितना बड़ा एक्वेरियम है, वाकई में इंडिया का बड़ा है या फिर ऐसे ही। काफ़ी अच्छा था।
सो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम पहुँच गए फतेह सागर लेक, व्यू बहुत ऑसम है, बहुत मस्त जगह है, व्यू अभी मैं आपको दिखाऊंगा फुटेज में। तो पिकनिक स्पॉट बहुत अच्छा है फैमिली फ्रेंड्स के लिए और वेदर भी अच्छा है यहाँ पे, सो रिकमेंडेड प्लेस है, मस्ट विजिट, ऑसम प्लेस है, ज़रूर आइए यहाँ पे। ट्रिप ओवर हो चुका है, अब हम वापस जा रहे हैं। ये हमारी बस है, कैबिन है, तो काफ़ी अच्छी बस है। अब मैं आपको पूरा समराइज़ करके बता देता हूँ अपना उदयपुर का ट्रिप का, कि कैसा रहा, क्या क्या है, क्या क्या नहीं, बजट, खाना पीना, रहना, सब कुछ। सो शुरू से स्टार्ट करते हैं। उदयपुर सिटी ऑसम है, बहुत ज़बरदस्त है, मस्ट रिकमेंडेड, आप आइए, ज़रूर आइए इस जगह पर, देखिए दो दिन में सफिशेंट है उदयपुर सिटी से घूम के, आप दो दिन में पूरा कम्प्लीट कर सकते हो। एक दो चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी भी हैं बुरी भी है। पहला मैं यहाँ पे पोहा बहुत अच्छा है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप पोहा ज़रूर खाइए, कभी भी आइए पोहा ज़रूर ट्राई करना, यहाँ पे हर जगह पोहा मिलेगा आपको, मात्र दस रुपये में आपको ब्रेकफास्ट मिल जाएगा और बेहतरीन, ऐसा टेस्ट नहीं मिलेगा आपको, ट्राई करना, क्यों सर? बिल्कुल ऑसम। उसके बाद दूसरी चीज़, यहाँ पर जो बुरी चीज़ लगी, टिकट्स ने हमारी जान ले ली। टिकट आप किसी भी एंट्री फीस, किसी भी अम्यूजमेंट पार्क में जाते हो या पैलेस में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, मिनिमम 100 रुपये और मैक्सिमम 300-325 रुपये, जो सिटी पैलेस में हम गए थे 325 रुपये, तो वो उसमें बहुत खर्चा हो गया हमारा। फोर्ड में जाओ उसकी फ़ीस, इधर जाओ फीस, हर जगह फीस यार, क्या है, ऐसे थोड़ा ना आता है। तो बट ओवरऑल बहुत अच्छा है। अगर आप आउटस्कर्ट्स में जाते हो तो आउटस्कर्ट्स में, और आपको हिस्टोरिकल मोमेंट्स में इंटरेस्ट है, तो बहुत कुछ है देखने के लिए, आपको कम से कम एक हफ्ता चाहिए देखने के लिए, एक हफ्ते से कम में नहीं होगा। तो हमारा सेकंड डे जो बाइक ट्रिप था, हम आउटस्कर्ट्स में गए थे, हम सिटी में एक दिन घूमे और एक दिन हम बाहर गए, तो फुटेज आप ऑलरेडी देख चुके हो। सो खाना पीना रहना बहुत सस्ता है, एकोमोडेशन बहुत सस्ती है, खाना भी बहुत सस्ता है, नॉर्मल, बहुत नॉर्मल है। सो ये मेरा ओपिनियन था, बाकी हम अपने साथी से, हमारे सर जी बताएंगे, इनकी शादी तो हुई नहीं तो अगली बार करवाएंगे। आप बताओ सर, आपका अपना एक्सपीरियंस। अच्छा, दो दिन के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है, मतलब हमने, मतलब अगर मैं हेडफोन करूँ तो हमने अराउंड 10 डिफरेंट प्लेसेस देखी, हमने लेक सिटी पैलेस देखा, हमने दो लेक्स देखी, हमने एक अंडर वाटर, तो जो कि मतलब काफ़ी इंडिया के स्टैंडर्ड्स में मतलब काफ़ी लेटेस्ट है, और जो अराउंड उदयपुर भी हमने काफ़ी, हमने अराउंड उदयपुर काफ़ी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखे हैं जिनकी काफ़ी सिग्निफिकेंस रही है हिस्ट्री में। खाना पीना जैसे आपने बताया कि इकोनॉमिकल है और टेस्ट वाइज भी डिलीशियस है, ऑथेंटिक राजस्थानी खाना अवेलेबल है, वो तो ऑब्वियसली होना ही है, राजस्थान। पीपल आर नाइस, आपको इधर उधर जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, कम्यूटेशन वगैरह सब ईजी है, तो वीकेंड के लिए, गेट अवे के लिए अच्छा ट्रिप है। राइट, अच्छा वीकेंड के लिए अच्छा है, आप सैटरडे संडे करके वीकेंड ट्रिप में आके मंडे आप अपना ऑफिस जा सकते हो, बेस्ट ट्रिप। सो आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और ट्रैवल के शौकीन है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि आपको मेरी सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो अगले हफ्ते फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।